Good morning children. How are you all? All of you good? Okay, very good. Say good morning teacher. Say good morning teacher. Yes, okay, so children, today we are going to learn a very, very special topic and a very important yes, which is very much important. Okay, So children, all of you wanted to become a good, right? Yes, we all wanted to become a good person. So, you wanted to become a good boy. You wanted to become a good girl, right? So, for that purpose, we should have, we should follow good manners, right? We should follow good manners, right, children? Yes. So, children, what is good manners? Yes. इट इज दैबिट्स विच वी हैव राइट जो हमारी अच्छी आदतें होती है ना वो है हमारी गुड मैनर्स ओके सो चिल्ड्रेन लेट मी टेल यू समथिंग ओके राइट देर वर टू बॉयज ओके वन वॉज हीज नेम वॉज सुनील एंड अनदर्स नेम वॉज अनिल ओके नाव चिल्ड्रेन सुनील जो था ही यूज टू वट ही यूज टू डू

एंड ही यूज टू ट्रबल राइट उसके भाई बहनों को सताता था परेशान करता था ओके ना अनिल वॉज अ बॉय ठीक है अनदर बॉय इज अ अनिल तो अनिल कैसा था अनिल यूज टू नॉट ही ही नेव यूज टू ट्रबल हीज सिबलिंग्स हीज हीज ब्रदर्स एंड सिस्टर कभी भी उनको परेशान नहीं करता था उनके साथ खेलता था he used to share his toys, उसके toys share करता था है na और मम्मी पापा की भी बातें सुनता था he used to listen to whatever एवर मॉम आस्क हिम टू डू राइट देन ही यूज टू स्टडी टाइम पे वो स्टडी करने के लिए बैठता था पढ़ाई करता था सो हु इज़ अ गुड पर्सन चिल्ड्रेन कौन अच्छा बच्चा है यस yes? uh, मम्मी पापा किसको ज़्यादा लव करेंगे और टीचर्स किसको को लव करेंगे टेल मी यस सुनील और अनिल यस yes, इट्स अनिल राइट व्हाई बिकॉज ही टू टू लिसन द मॉम है ना मम्मी की बातें सुनता था यस yes, मम्मी ने जो भी वर्क बोला है वो करता था सो मम्मी यूज टू लव हिम मोर टीचर्स आल्सो व्हाई बिकॉज ही टू स्टडी वेल राइट यस सो चिल्ड्रेन अनिल used, अनिल वॉज अ लवेबल चाइल्ड ओके So you wanted to become that, right? You wanted to become like a sunil or like a anil? You wanted to become like a anil, right? Yes. For that sake, you should follow some of the good manners. Right? Okay. Now let me show you. See, children, what are these? These are the golden words. These are the golden words. words yes which we should use in our day -to day to life हमको रोज ये गोल्डन वर्ड्स जो है वो यूज करने चाहिए सो दैट वी हैव अ वी बिकम अ गुड पर्सन राइट गुड चाइल्ड यस व्हाट आर दीस गोल्डन वर्ड्स चिल्ड्रन यस सी दीज गोल्डन वर्ड्स आर यू आर वेलकम you are welcome then thank you thank you then please please then may i may i read with me then excuse me excuse me next

You are welcome. Thank you. Read with me. Please. May I? Excuse me. I am sorry. Okay. So, I will tell you when you should use these golden words. Okay. So, children, when we use प्लीज प्लीज कब बोलते हैं हम yes? यस जब आपको कोई चीज चाहिए होती है राइट right? है ना लाइक यू वॉन्टेड टू ईट समथिंग है ना भूख लग रही है यू आर फीलिंग हंग्री यू वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम मम्मा यू वॉन्टेड मम्मा टू गिव यू समथिंग टू ईट राइट सो व्हाट विल यू से मम्मा प्लीज वॉट विल यू से मम्मा

from योर फ्रेंड also इफ़ यू want समथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड लाइक पेंसिल और एनी anything यू want एनी टॉय फ्रॉम योर ब्रदर और सिस्टर है ना आपके सिस्टर का कोई टॉय पसंद आ रहा है आपको चाहिए आप उसको बोलेंगे मुझे वो टॉय चाहिए दिस इज रूड राइट आप कैसे बोलेंगे प्लीज प्लीज गिव मी दैट टॉय है ना कितना अच्छा लग रहा है सो आपकी सिस्टर आपके ब्रदर भी आपको वो टॉय तुरंत दे देंगे राइट चिल्ड्रेन यस सो यू हैव टू यूज द वर्ड प्लीज यू शुड से प्लीज वेनेवर यू आस्क फॉर समथिंग राइट जब भी आपको कुछ चाहिए होगा तो आप यूज करेंगे वर्ड प्लीज ओके नेक्स्ट ओके नाउ सी जब आपको कोई भी समवन गिव्स यू समथिंग, राइट समवन गिव्स यू समथिंग दिया आपको राइट right? तो वो क्या बोलता है वट इज से अगर आपको कोई आपने कुछ मांगा और किसी ने आपको वो चीज दे दी तो आप क्या बोलेंगे मम्मा ने आपको मम्मा ने मम्मा यू आस्क फॉर समथिंग टू मम्मा तो मम्मा ने आपको दिया खाने के लिए आप क्या बोलेंगे थैंक यू क्या बोलेंगे आप थैंक यू राइट आपने प्लीज बोला प्लीज आई वॉन्ट दिस मम्मा ने आपको दिया या आपके ब्रदर ने दिया आपके सिस्टर ने आपको दिया तो आप क्या बोलेंगे थैंक यू या टीचर इफ यू आस्क समथिंग टू द टीचर टीचर गेव यू समथिंग यू शुड से थैंक यू क्या बोलेंगे आप थैंक यू यस ओके राइट नाउ चिल्ड्रेन इफ यू से राइट थैंक यू बोला आपने राइट right? अभी समझो आपको आ, किसी को आपने कुछ दिया राइट right? आपसे भी कोई मांगेगा इफ समन आस्क सम टू यू तो आप उसको देंगे ना है ना अगर आपके किसी ब्रदर सिस्टर ने आपसे कोई टॉय मांगा है ना डॉल मांगी तो आप उसको देंगे तब के ब्रदर या सिस्टर आपको क्या बोलेंगे यस yes, क्या बोलेंगे थैंक यू तो आप उसको रिपीट में क्या बोलेंगे क्या रिप्लाई देंगे यू विल से यू आर वेलकम क्या बोलेंगे यू आर वेलकम राइट जब कोई आपको थैंक यू बोलता है इफ समवन थैंक यू आप क्या बोलेंगे यू विल से यू आर वेलकम आपको कोई थैंक यू बोलते हो तो आप क्या बोलेंगे यू आर वेलकम वेरी गुड ओके

है ना ये गे, गर्ल है उसको गिफ्ट दे रही है तो उसने क्या बोला उसको नाउ सी व्हेन वी यूज सॉरी सॉरी कब बोलेंगे आप यस वेन यू हैव डन एनी मिस्टेक जब आपने कोई मिस्टेक की होगी जब आपने कोई गलती की है राइट right? जब आपने किसी को परेशान किया है गलत किया है सो यू विल से सॉरी कोई बात नहीं गलती होते रहती है है ना जानबूझ के नहीं करना गलती लेकिन अगर कभी मिस्टेक हो गई है ना कुछ भी लाइक सी यहाँ पे इन दिस पिक्चर क्या हो गया वट हैपन देयर इन दिस पिक्चर यस ये देखो आइसक्रीम फेल फेल राइट आइसक्रीम गिर गई है है ना गलती से क्या हो गया है आइसक्रीम हैज फॉल डाउन राइट यस सो द गली से सॉरी गर्ली से सॉरी है ना तो अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यू शुड से सॉरी राइट आप घर पे भी कभी मिस्टेक हो जाती है मम्मा गुस्सा हो जाती है पापा गुस्सा हो जाते हैं है ना तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे यू विल से सॉरी बस मम्मी पापा का गुस्सा क्या हो जाएगा यस इट विल गो अवे गुस्सा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा राइट सो यू शुड से सॉरी राइट वेन यू डू एनी Mistake. You should say sorry. Okay. Yes. Now, okay. Next is excuse me. Next is excuse me. Now, when you say excuse me, yes, if you wanted to talk to someone, right? आपको कोई बिजी है और आपको बात करनी है या मम्मा बिज़ी है या आपके फ्रेंड बिजी है एंड यू वांटेड टू टॉक टू देम उनसे बात करनी है सो व्हाट विल यू से डायरेक्ट जाओगे और आप बात करोगे डायरेक्ट जाओगे आप वो लोग बिजी है है ना वो लोग बिजी है और आप डायरेक्ट जाओगे बात करोगे नो यू शुड से एक्सक्यूज मी राइट उनका अटेंशन लेने के लिए आप क्या बोलोगे एक्सक्यूज मी आप उनसे परमिशन लोगे बिफोर टॉकिंग क्योंकि वो लोग बिजी हैं दे आर बिजी राइट सो यू शुड से एक्सक्यूज मी ओके ओके सो यू शुड टेक परमिशन ओके नाउ सी हियर यस चिल्ड्रेन व्हेन यू गो टू सम हाउस राइट Uh, किसी के घर जाते हैं आप है ना अब डायरेक्टली किसी के घर पे एंटर नहीं करना चाहिए इवन इन द स्कूल इवन इन द स्कूल स्कूल में भी आप जाते हो तो यू शुड टेक अ परमिशन ऑफ अ टीचर टीचर होते हैं ना अंदर यू शुड टेक अ परमिशन हाउ विल यू टेक अ परमिशन कैसे परमिशन लेंगे आप मे आई क्या बोलेंगे आप मे if you are there out uh, the class and you wanted to enter the class how will you say may i come in may i come in if you wanted to go to the toilet right what will you say may i go to the washroom may i go to the washroom or may i go to the toilet right you will ask टीचर uh, डायरेक्टली आप उठ के जाओगे टीचर इज टीचिंग यू टीचर आपको पढ़ा रहे और आप डायरेक्टली उठ के जाओगे नो यू शुड टेक अप परमिशन राइट ओके यू शुड आस्क टीचर इफ यू वॉन्टेड टू टेक समथिंग फ्रॉम योर बैग बैग में से आपको पेंसिल निकालनी है इरेजर निकालना है वॉट एवर सो यू शुड आस्क योअर टीचर हाउ विल यू आस्क टीचर मे आई Take a pencil from my bag. You should say, May I. What, what word you should use? May I. Okay. So, children, these are the golden words. We should use them. They are very important. Right? If you use these golden words, people will say, Yes, this kid is. So uh, good mannered, right? Okay, so you understood the words. Okay, now we will do the activity. Okay, children, so you understood the words, right? May I? Thank you. Sorry. Excuse me. And yes, please. May I sorry thank you. Excuse me and please. May I sorry thank you. Excuse me and please. These are the golden words. These are the golden words. Makes wonder for us. Makes wonder. For us, right, children? Yes, these words makes wonders in our life. Okay. Yes. So we will do the activity on it. Okay. See, I will tell you some situation. You should tell me what word you will use. situation, Right? Okay, now tell me. Yes. समवन गिव्स यू अ गिफ्ट क्या बोलेंगे आप समन गिव्स यू अ गिफ्ट कोई आपको गिफ्ट देगा तो क्या बोलेंगे ये यू विल से थैंक यू यस यू विल से थैंक यू ओके ना समवन इज टॉकिंग एंड यू वॉन्ट टू से समथिंग कुछ लोग बात कर रहे हैं एंड यू वॉन्टेड टू से टू समथिंग वट विल यू से यस yes, क्या बोलेंगे एक्सक्यूज मी व्हाट विल यू से एक्सक्यूज मी वेरी गुड ओके नाउ यू वॉन्ट टू एंटर समवंस हाउस और रूम आपको मैंने बताया किसी के रूम में या किसी हाउस में आपको जाना है व्हाट विल यू से हाउ विल यू टेक अ परमिशन मे आई कम इन क्या बोलेंगे आप May I come in? Yes, very good. Okay. You break something. कुछ तो break कर दिया आपने क्या बोलेंगे आप ठीक है हो गई गलती क्या बोलेंगे आप Sorry. What will you say? Sorry. Yes. Very good. Right. So you used it very nicely, children. ओके ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल हैव वन मोर एक्टिविटी नाउ टेल मी अ विच इज गुड हैबिट राइट राइट विच इज अ गुड हैबिट एंड यू शुड टिक द गुड हैबिट राइट मार्क एंड बैड हैबिट विथ अ विच वी यू शुड नॉट डू जो आपको नहीं करना चाहिए उसको क्या करना है आपको क्रॉस ठीक है ओके okay. i fight and hit my friends i fight and hit my friends aap apne friends ko fight karte ho is it a good manner is it a good manner children no kya karenge usko cross we should avoid that okay we should avoid that cross karenge usko we should not do that i brush my teeth every

आई डो नॉट हैव बाथ एवरी डे आई डो नॉट है डे आई डोंट गेट टू बाथ आप रोज नहीं बातेंग करते हो रोज नहीं बात करते हो नहीं लहाते हो रोज वेरी बैड यू शुड नाट डू देट लेट्स यू शुड बाथ एवरी डे सो क्रॉसि आई थ्रो थिंग्स एवरीवेयर घर में सारे टॉयस फेंक देते यहाँ हुआ है ना कुछ भी है आई थ्रो थिंग्स बुक्स यहाँ हुआ डाल देते

आई डोंट थ्रो एनी ऑफ द गार्बेज देयर कोई भी कचरा नहीं करते हम घर में या हमारे सराउंडिंग बाहर भी है ना वेन यू ईट चिप्स वॉट यू डू विथ द व्रैपर यू थ्रो इट देर ऑन द रोड यू शुड नॉट डू दैट यू शुड कीप यूर सराउंडिंग क्लीन यू शुड टेक दैट व्रैपर एंड थ्रो इट इन टू द बीन गारबेज बीन ओके चिल्ड्रेन येस सो You should keep your surrounding clean. This is right. Okay, so you understood the good manners. You are going to use the golden words, and you are going to follow these good manners. Okay, very good children. Yes. So our session is over. Meet you in the next session.